हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब। कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइज आप सभी के सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आपको पता है गाइज कि जो मुस्कान के साथ एक कंट्रोवर्सी हुई है, पूरे हिंदुस्तान में ये जो चीज़ है वो फैल चुकी है। मुस्कान के साथ तो क्या, ये सभी के साथ पहले हो चुकी है, लेकिन मुस्कान के बाद ये चीज़ मुस्कान ने बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो उसकी वजह से ये चीज़ सामने होके आई है। तो आज की जो वीडियो है वो है मुस्कान TV9, ये चैनल है, यूट्यूब चैनल है, न्यूज़ चैनल है। सो इन्होंने खास बातचीत में हिजाब गर्ल मुस्कान के कई बड़े खुलासे, मतलब मुस्कान का इंटरव्यू किया इन्होंने लाइव, और मुस्कान के कुछ इन्होंने बड़े खुलासे किए हैं। तो देखते हैं कि ये मुस्कान के साथ है या मुस्कान के अगेंस्ट। हाँ, तो पूरे इंडिया में बहुत ही मतलब ज्यादा ये टॉपिक चल रहा है, और बढ़ चढ़ के लोग इसमें कई मतलब अपना समर्थन दे रहे हैं। बहुत से लोग इसके फेवर में हैं कि ये बहुत गलत करा है ना, मतलब इन्होंने, हम भी इसी के फेवर में हैं, बिकॉज़ ये चीज बिल्कुल गलत है। मुस्कान के फेवर में यार, मतलब उनका हक है हिजाब पहनना यार, वो तो पहनेंगे ही यार। जब बात हक की आती है तो कहते हैं ना कि भगवान भी कहते हैं तुम लोग हक जो है अपना कभी छोड़ के मत आओ, क्योंकि अपना हक, हाँ मैंने सुनी ये चीज। अच्छा, भगवान कहते हैं लाइव आगे? नहीं मैंने सुनी। अच्छा, तो सही बात है, पुरानी बातें जो होती है वो सच होती है। अपना हक तो है, अपना हक ही है, चाहे वो कैसा भी हो। मतलब पहली बात यहाँ पे ह्यूमैनिटी की भी आती है कि यार कि इतने लोग इकट्ठे हो गए, एक लड़की को तुम ऐसे कर रहे हो, तो वो सही नहीं है। और उनका हक है, उनके रिलीजन में, उनका कल्चर में ये चीज़ बनाई है, हिजाब और बुर्का पहनना। उनको, उनके खुदा ने ये चीज़ कही, अल्लाह की बुक में लिखा, कुरान में लिखा है, तो वो क्यों नहीं फॉलो करेंगे उस चीज़ को? पहली बात तो यही आती है ना, फॉलो तो करना ही है। सो करते हैं इसको स्टार्ट, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। देखें मुस्कान की बातें क्या कही है ना। सो करें प्ले। गौरव, मुस्कान मेरे साथ हैं, और कल जो वाकया हुआ है उस पे वो बेटी जो डरी नहीं, जो पीछे नहीं हटी, और जिसने अपनी बात बुलंदी से रखी। मुस्कान इस वक्त मेरे साथ हैं, सीधे मुस्कान से बात करते हैं कि मुस्कान, कल से लेकर आज तक कर्नाटक से जो आवाज़ निकली है वो इस आज की तारीख में पूरे देश में पहुंच चुकी है, और विदेशों में भी इसकी चर्चा हो रही है। भारत में दो तरह से इसको प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है। आप कैसे देखते हैं, और कल क्या घटना हुई थी वो जरा आप हमें बताइए। मैं कल एज यूजुअल जैसे कॉलेज को जाते हैं, मैं वैसे कॉलेज को गई थी। वहाँ बाहर ही लड़के मुझे ग्रुप बना के बोल रहे थे कि तुम बुर्खा नहीं पहन सकती, अगर तुम बुर्खा पहनी तो कॉलेज के अंदर नहीं जाना, इतना इंटरेस्ट है तुम्हें बुर्खा पहनने का तो वापस घर को चले जाओ। ऐसे हमें ब्लैकमेल कर रहे थे, अटैक कर रहे थे। फिर भी मैं अंदर गई, फिर गाड़ी पार्क की, फिर जब मैं आ रही थी मैं सोची क्लास को ऐसे ही चले जाऊँ, लेकिन वो लड़के शॉल लेके मेरे मुँह पे सब आके जय वो नारा लगा रहे थे, जय श्री राम स्लोगन लगा रहे थे, और मुझे बोल रहे थे तू इधर से चले जा, बुरखे में यू आर नॉट अलाउड करके मुझे ऐसे कर रहे थे। अच्छा, आप जिस कॉलेज में पढ़ती हैं वहाँ पर सेकेंड ईयर है या ग्रेजुएशन आपका, 2 सालों में कभी ऐसा हुआ था कि कभी आपको रोकने की कोशिश? कभी नहीं। मेरा खुद का प्रिंसिपल, लेक्चर सब मेरे साथ है, सब मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। ये थोड़े बहुत आउटसाइडर्स जो आके ऐसे तमाशा कर रहे हैं। अच्छा, जो लोग कल प्रोटेस्ट कर रहे थे, आपके बुरके और आपके हिजाब पर सवाल खड़े कर रहे थे, क्या आप उसमें से कुछ लोगों को जानती थी, पहचानती थी? उस कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं या सारे के सारे आउटसाइडर्स थे? मैं किसी को पहचानती नहीं थी, सारे के आउटसाइडर्स नहीं थे, थोड़े बहुत कॉलेज के थे, थोड़े बहुत ज़्यादा आउटसाइडर्स थे, लेकिन थोड़े बहुत कॉलेज के भी थे जिनको भड़काया जा रहा है कि ऐसे सब कुछ क्रिएट कर रहा है, उन तमाशे कर रहे हैं सब लोग तमाशा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने सवाल नहीं की कि अगर मुझे कॉलेज मेरा कहता है, ये कॉलेज का नियम आ जाएगा, कोर्ट का फैसला आ जाएगा, तो हम उसका पालन करेंगे, लेकिन एक आउटसाइडर, एक स्टूडेंट को ये हक किसने दिया कि वो तय करेगा कि आप हिजाब पहनेंगी, नहीं पहनेंगी, आप बुर्का पहनेंगी या नहीं पहनेंगी? आपने सवाल नहीं किया उनसे? सर, मुझे सवाल करने का मौका तक नहीं दे रहे थे। वो ऐसे क्राउड में मुझे अटैक, 40 से 50 लोग थे, मैं अकेली लड़की, मैं जा रही थी, ऐसे शॉल उड़ा के वो उनका स्लोगन करके मेरे पास आ रहे थे, बोले बुर्का काट, बुर्का काट, हिजाब काट, ऐसे ऐसे मुझे धमका रहे थे, लेकिन हमने नहीं हारा। अच्छा, तो जब 30-35 लोग एक अकेली लड़की को, सही बात है, अरे ये लड़की में एक हिम्मत है ना, मतलब जब हर एक कोई भी बंदा हो कि चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, लेकिन जब 35-40 लोग एकदम इकट्ठे अटैक करते हैं, पढ़ते हैं, पर उसने नहीं की वो चीज़, तो ये मतलब एक प्राउड की बात है, एक लड़की की मतलब जो हिम्मत की बात है ना। यहाँ पे पहले तो ये देखी जाती है, दाद देनी चाहिए यार मुस्कान की हिम्मत को। आप ऐसा भी नहीं कि आपकी उम्र बहुत ज्यादा है, आप 20 साल के आसपास आपकी उम्र है, अकेली लड़की को जब घेर कर इस तरह से आपको परेशान करने की, आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे, आपको एक वक्त के लिए भी डर नहीं लगा? नहीं, क्यों डरना, जब हम हमारे सही इसमें है तो क्यों डरना। ये मेरा राइट है, मेरे प्रिंसिपल ने कुछ नहीं कहा, मेरे लेक्चर ने कुछ नहीं कहा, तो ये होते कौन है जो हमको क्वेश्चन करें, तो मुझे डरना है। तो अगर आपका कॉलेज कल को ये रूल बनता है यहाँ पे, अगर आपका कॉलेज, आपका प्रिंसिपल, आपका आपके जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक रूल बनाएगा, तो क्या मुस्कान इस रूल को फॉलो करने के लिए तैयार है? सर रूल नहीं, हम ऑर्डर को वेट कर रहे हैं, हाई कोर्ट का ऑर्डर। मुझे यकीन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कभी किसी के अगेंस्ट नहीं जाएगा, दे डोंट गो अगेंस्ट द रिलीजन्स, सो हम बिलीव कर रहे हैं, हम ट्रस्ट कर रहे होंगे उनके ऊपर। अच्छा, आपका मुद्दा अब सिर्फ कर्नाटक का मुद्दा नहीं, देश में बहस छिड़ चुकी है और राजनीतिक पार्टियों की रैलियों में भी, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, चाहे तमाम नेता हो, अब आपका नाम ले रहे हैं और इस घटना का जिक्र कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं, क्या इस घटना का राजनीतिकरण जैसा हो रहा है वैसा होना चाहिए? आप इस बात से सहमत हैं या आप असहमत हैं और आप चाहते हैं कि इस घटना का राजनीतिकरण ना हो? मैं लड़ रही हूँ मेरे राइट के लिए, मेरे एजुकेशन के लिए। इसको लेके कुछ मतलब कम्युनलिज्म कर रहा है, हिंदू मुसलमान के बीच में कर रहा है। प्लीज अ हम्बल रिक्वेस्ट फॉर एवरीवन, डू नॉट क्रिएट दिस। आई एम नॉट स्टैंडिंग फॉर एनी कम्युनलिज्म, आई एम जस्ट स्टैंडिंग फॉर माय एजुकेशन, फॉर माय राइट्स। इसको दो धर्मों के बीच में बांटने की कोशिश की जा रही है, उन लोगों को क्या जवाब देंगे? फिर मैं कुछ और आपसे सवाल पूछूंगा। नहीं, मतलब नहीं करना हो सब, इट्स नॉट गुड। आई एम जस्ट फाइटिंग फॉर माय राइट्स, फॉर माय एजुकेशन। ये लेके तमाशा कर रहे हैं, स्टेटस में डाल रहे हैं, ऐसे कुछ बहुत भड़का रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं हिंदू और मुसलमान के बीच, ऐसे मत करिए। ऑल आर इक्वल, ये हम भी देख रहे हैं कि सभी इक्वल हैं यार। यहाँ पे बात है ह्यूमैनिटी की, रिलीजन का तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं है ना। मतलब उनको अपने रिलीजन से रोक रहे हैं कि अपने उससे कल्चर से रोक रहे हैं कि आप बुरखा मत पहनो। इसमें हिंदू मुस्लिम वाला कुछ भी नहीं है। ये तो फिर एक स्टंट लेने वाली बात होगी पॉलिटिक्स के लिए, तो एक मतलब वो बन गया स्टंट सा कि हम ऐसा वो मुद्दा उठा देंगे ना गवर्नमेंट पे कुछ ना कुछ बोलने के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे बात ह्यूमैनिटी की है। उसको अपना हक लेने से क्यों रोका जा रहा है, पहली बात ही ये आती है ना। तो आगे देखते हैं। मुस्कान बिल्कुल सही और बिल्कुल मतलब एक अच्छी लड़की है ना, बहुत अच्छे से दे रही है, बहुत अच्छे से बात कर रही है और बहुत अच्छे से उसने जो भी फैसला लिया उस टाइम जो भी कहा है सब कुछ सही है। क्या कहना चाहेंगे जो लोग इस खाई को पैदा करना चाह रहे हैं इन दोनों धर्मों के लोगों के लिए? और एक सवाल ये कि इस पूरे मामले में पाकिस्तान की एंट्री हो चुकी है। पाकिस्तान इस घटना को ऐसे प्रोजेक्ट कर रहा है जैसे भारत में बेटियां सुरक्षित नहीं है। भारत की बेटी जिसने ये देखा है, वो बेटी क्या सोचती है, वो बेटी पाकिस्तान को कैसे जवाब देगी? ये इंडिया की कंट्रोवर्सी है, मुझे तो भरोसा है। लेकिन एक सवाल इनसे ये भी पूछिएगा, उडुपी में जो हुआ था वहां पर कॉलेज के प्रिंसिपल ने ये कहा था कि आप कैंपस में तो हिजाब पहन सकती हैं लेकिन क्लासरूम में मत पहन है। मैं दो सवाल आपसे पूछूंगा। गौरव, आपका सवाल मुझसे ठीक है, मैं पूछूंगा। पाकिस्तान जिस तरह से प्रोजेक्ट कर रहा है, पाकिस्तान को कैसे जवाब देंगे और करारे शब्दों में कैसे जवाब देंगे आप? सर मैं किसी को कुछ जवाब नहीं दूंगी, मुझे बस मेरा एजुकेशन चाहिए, मुझे मेरा राइट चाहिए। नहीं, हमारे देश के मामले में जिस तरह से पाकिस्तान दखल देने की कोशिश कर रहा है, दुनिया के मंचों पर यह प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि भारत में अल्पसंख्यक बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, क्या आप इस बात से सहमत हैं? पाकिस्तान को कैसे जवाब देंगे? प्राउड टू बी एन इंडियन, आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। इंडिया में बहुत लड़कियों की इज्जत है, ऐसा नहीं है कि कोई इज्जत नहीं करता, सब इज्जत करते हैं। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन सिटीजन, बट ये चंद लोग हैं जो ऐसे क्रिएट कर रहे हैं, इंशाल्लाह सब सही बात है। पाकिस्तान को हक है इस मामले में इस तरह से दखल देने का। आप कहेंगे कि वो अपने देश के बारे में सोचे, भारत के बारे में ना सोचे। ये न्यूज़ वालों का थोड़ा मेरे को गलत सा लगता है डेटा साहब, है ना। मतलब आना जरूरी लेके आना पाकिस्तान की चीज को, है ना। सो बोलता तो यार हर एक बंदा है, तो आप उस चीज को इग्नोर करो जो आपके मतलब की चीज नहीं है ना। नहीं, हक नहीं है पाकिस्तान को हमारे इसमें आने का। ये इंडियन कंट्रोवर्सी है, हम संभाल लेंगे। अच्छा, उडुपी में जहां से ये विवाद शुरू हुआ 6 जनवरी की वो तारीख, और उडुपी जो मैंगलोर में पड़ता है, वहां कुछ बच्चियां कॉलेज के अंदर पहुंचती हैं। कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन ये कहता है कि हमारा नया जो ड्रेस कोड आ चुका है, आप कॉलेज के अंदर कमरे के अंदर हिजाब पहन के एजुकेशन नहीं ले सकते, क्योंकि एक कॉमन पॉलिसी है सबके लिए, क्योंकि हर धर्म का अलग ड्रेस कोड है। कोई कहेगा हम धोती कुर्ता पहन कर आएंगे, कोई कहेगा कुर्ता पजामा पहन कर आएंगे, कोई इस तरह हाफ पैंट में आएगा, तो फिर रूल फॉलो नहीं हो सकता है। वहां जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन अगर कर रहा था, आप उसको कैसे देखते हैं, और अगर इस तरह का रूल आता है तो आप उसको फॉलो करने के लिए तैयार हैं? सर मैंने बोला ना, क्लासरूम के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, बाहर की नहीं। क्लासरूम के अंदर ठीक है, हम हिजाब का ये कर लेंगे क्लासरूम के अंदर, लेकिन कैंपस में हमें एंट्री ही नहीं दे रहे। उधर खड़ के सब बोल रहे इधर ही काटो, मतलब क्या है, मतलब ह्यूमैनिटी ही नहीं है। मैं अकेली लड़की, 40-50 लोग मुझे घेरे हुए थे और मुझे बोल रहे हैं बुरखा काटो, निकाब काटो, हिजाब काटो और फिर तुम अंदर जाओ। दिस इज नॉट फेयर। ये गलत है। लेकिन अगर ये रूल आता है कि आप क्लासरूम में बैठकर जब आप आ जाए अपने क्लासरूम के अंदर तो आप शिक्षा जब आप लेंगे ग्रहण करेंगे तो उस वक्त आप हिजाब और बुर्के में नहीं रहेंगे। जो ड्रेस कोड सारे बच्चों के लिए होगा उस ड्रेस कोड को हम फॉलो करने के लिए तैयार हैं। सर हिजाब इज आवर प्रायोरिटी, हम जब फैसला आएंगे तब बात करेंगे सर उस बात पर। कुछ नेता इस पर रोटियां सेक रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रहा है वहां पर इसकी बहुत ज्यादा चर्चा है। आपके रील्स शेयर किए जा रहे हैं ऐसे लोग जो दो धर्मों के बीच खाई पैदा करने का और इसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके लिए मुस्कान क्या बोलेंगी? मैं वही बोल रही हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट फॉर एवरीवन, प्लीज डू नॉट क्रिएट दिस। आई एम नॉट फाइटिंग फॉर एनी कम्युनलिज्म, आई एम फाइटिंग फॉर माय राइट, आई एम फाइटिंग फॉर माय एजुकेशन, सो एंड आई जस्ट होप सो यू पीपल अंडरस्टैंड, डू नॉट क्रिएट दिस। आप यही पैदा हुई, यही पली बड़ी, कभी ऐसा फील किया था आपने कर्नाटक में रहते हुए, मडिया में रहते हुए कि किस तरह से कभी इस तरह का माहौल, इस तरह की चीजें आपने कभी? सर यही तो छोड़ो, जब हम इंडिया में पैदा हुए, मतलब इंडिया इज अ यूनिटी, इंडिया इज अ पीस एंड लविंग कंट्री, सो ये सब नहीं होगा करके भरोसा था। पता नहीं अचानक से कुछ ऐसे लोग आए जो ऐसे क्रिएट कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा सर। आपको पूरा भरोसा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा? अच्छा, किसी तरह का डर तो नहीं लग रहा आपको ना? डर क्योंकि आप तो बहादुर हैं, आपकी बहादुरी का नमूना पूरे देश में देखा, आपकी बहादुरी को पूरा देश सराह रहा है। लेकिन उसके बावजूद मैं कहूंगा कि कल अगर मुस्कान को कॉलेज जाना पड़े तो क्या मुस्कान उसी तरह से बेहिचक बिना डरे हुए कॉलेज स्कूटी लेके वैसे जाएंगे और वैसे ही पार्क करते हुए अंदर जाएंगी? बहादुरों की तरह जाऊंगी मैं जाऊंगी सर। दिस आई स्टूड दिस नॉट दिस मैसेज इज नॉट ओनली फॉर द मुस्लिम गर्ल्स, ऑल्सो फॉर द नॉन मुस्लिम गर्ल्स। सब लड़कियों को मैसेज है कि जब तुम्हारा राइट आए तुम खड़ो अपने राइट पे खड़ो, तुम्हें कभी डरने का नहीं है, सामने वाले को रुलाना है, तुम नहीं रोना, खड़ो। लड़कियां खड़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। बहुत अच्छी बातें आप कर रही हैं और आपका वीडियो जो हिंदुस्तान के हर घरों में पहुंच रहा है और हर घर में जहां बेटी है वो आपके वीडियो को जरूर देख रही है और आपके वीडियो देखकर लोगों को हिम्मत मिल रही है। हम इसीलिए आपसे बातचीत थोड़ी सी लंबी कर रहे हैं क्योंकि देश आज आपको सुनना चाहता है कि वो मुस्कान जिसने अकेली लड़की होते हुए 35 लोगों का मुकाबला बिना डरे किया, वो मुस्कान आज तमाम मसलों को लेकर क्या सोचती है। तमाम जगहों पर लड़कियां पीछे हट जाती हैं, लड़कियां डर जाती हैं, लड़कियां छेड़खानी की वजह से कॉलेज नहीं जाती हैं, रास्ता छोड़ देती हैं, उन बेटियों के लिए क्या कहेंगी आप? नहीं डरना सर, आगे बढ़ना, हमारे राइट्स के लिए हमें ही खड़ना पड़ता है। मैंने भी, मेरे से पहले चार लड़कियां रो के चले गए, हमें नहीं रोना, उन लोगों को रुलाना चाहिए। हमें क्यों, अगर हम गलत है तो डरना, अगर हम सही है तो क्यों डरे, बिल्कुल डरना चाहिए। अच्छा, कल जब ये घटना हुई उसके बाद आप अपने कॉलेज में चली गई, क्लासरूम में चली गई, वो वीडियो तो सबने देखा, उसके बाद क्या हुआ और आपने घर आई तो अपने पेरेंट्स को आपने क्या बताया, मोहल्ले में क्या बताया, और जब ये वीडियो वायरल हुआ कल से लेकर आज तक क्या बदल गया है? बहुत कुछ बदल गया है। मेरा फादर उधर ही था, मतलब जैसे घटना बची और टीवी में सब देखा, मेरा फादर उधर ही आया, सब बाद में पुलिस सब ही आई, मुझे अच्छा सिक्योरिटी मिली, पुलिस सब मेरे घर के पास ही थी, मुझे अच्छी सिक्योरिटी मिली, मुझे सब ने हिम्मत दी, सब अच्छा हुआ सर। नहीं, मेरा सवाल ये है कि उसके बाद जब वहाँ ये सब कुछ हो गया, वो लोग बाहर चले गए, तो क्लासरूम में आप जाके आपने अपने प्रिंसिपल से, अपने जो टीचर्स हैं उनसे आपने बताया कि मेरे साथ इस तरह की घटना हुई है और मैं घर कैसे जाऊंगी, मेरे लिए सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, पुलिस को आपने इन्फॉर्म किया? क्या हुआ कल उस घटना, वो वीडियो के बाद दरअसल पूरा मामला क्या हुआ, उसके बाद आपने क्या किया, कैसे रिएक्ट किया? मैं एज यूजुअल जैसे क्लास अटेंड करती हूँ, मैं गई, क्लास अटेंड की, फिर मेरे फादर ने कॉल किया कि लड़के हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इट्स बेटर यू टेक अ सिक्योरिटी करके मेरे फादर मुझे कैच कर लेकर गए, वहाँ लेकर आए। रास्ते में आपने कुछ पुलिस कंप्लेंट वगैरह भी करने की सोची इस मामले में? नहीं सर, मैंने कुछ पुलिस कंप्लेंट सब नहीं किया क्योंकि मेरे प्रिंसिपल ने बोला, प्रिंसिपल ने गारंटी दी है कि नेक्स्ट टाइम दिस विल नॉट रिपीट करके बोला है। अच्छा, आपको भरोसा है भारत के संविधान पर, पुलिस पर, प्रिंसिपल पर, स्कूल पर, आपको पूरा भरोसा है? पूरा भरोसा है, सब इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। और क्या बात है यार, मतलब मुस्कान, मतलब हम ना बहुत लाइक ब्रेव गर्ल है, इनकी बातें सुन के इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि लड़की होके वो ऐसी बातें कर रही है, मतलब इतनी प्राउड वाली बातें कर रही है, समझदार वाली बातें, और इतनी हिम्मत है इनमें, बिल्कुल मतलब सही बोले कि डरना क्यों है ना, क्यों डरना, बिल्कुल सही, मतलब मुस्कान बिल्कुल सही बातें की है, एक एक बात से अपने हक के लिए लड़ी है मतलब ऐसा भी हुआ कि जिस कंट्री में वो पैदा हुई उसने उसके बारे में एक भी वर्ड गलत नहीं कहा कि नहीं इंडिया है एक अच्छी कंट्री है, लेकिन कुछ लोगों की वजह से ऐसा हो रहा है। ऐसे मतलब कितने टाइम से वो रह ही रहे हैं ना, हर एक कम्युनिटी को जिन्होंने भी किया वो किसी कम्युनिटी के लोग, हम पूरी कम्युनिटी को ऐसा नहीं कह सकते है ना, क्योंकि उस कम्युनिटी के लोग यहाँ भी होंगे, हर एक जगह होंगे, पर कुछ लोग होते हैं ऐसे जो कि ये चीजें करते हैं जिनकी वजह से पूरी कम्युनिटी बर्बाद है। पॉलिटिक्स की कोई साजिश है पता नहीं, हमें नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जो भी होगा जैसा भी होगा। पर मुस्कान ने जो बातें कही बिल्कुल सही कही है, उसका हक क्या है मुझे भी बहुत ज्यादा वो जानने की वो कि क्या ऑर्डर आएगा, बिल्कुल सही ऑर्डर आएगा कोर्ट का जितना है बस सही आना चाहिए, सही होगा जैसा है वैसा होगा ना, तो ज़्यादा कुछ आई थिंक चेंजेस नहीं मिलेंगे। यही होगा मेरे ख्याल से कि कैंपस में अलाउड यही होगा ना बुर्का या फिर जो भी होगा, जो भी एक्सरसाइज जो भी डिसीजन होगा गलत क्या है जो पहले जैसे था वैसे होना चाहिए है ना, वो उनका हक है यार, मतलब वो चीज़ पहनने का। तो मुस्कान ने भी ये चीज़ की है कि मैं अपने एजुकेशन के लिए, मैं अपने हक के लिए लड़ रही हूँ और बिल्कुल भी नहीं डरी। सबसे बड़ी बात तो ये आती है जब 30-40 लड़के अटैक करते हैं या कुछ कहते हैं, सभी ने अगर सर्कल डाला हो या कुछ भी कहा हो तो वो एक बहुत हिम्मत है, और वो कहती मैं आगे भी नहीं डरूंगी, आगे भी उसी तरह से जाऊंगी। तो मुस्कान है, सही बात है ना, मुस्कान ने पूरे आई थिंक जो भी डरते हैं लड़कियों के दिलों पे पूरे सभी के चेहरे पे मुस्कान लेके आई है, कहना कि सभी को एक प्राउड फील करवाया। मेरे से पहले लड़कियां 4 लड़कियां रोके चली गई, सही बात है, लेकिन वो तो बिल्कुल नहीं हिम्मत हारी। तो ये थी वीडियो मुस्कान की, ये स्टेटमेंट थी। सो बाकी फिलहाल इस वीडियो में ना था गाइस, आप बताना आपको क्या लगता है, जो भी आपकी राय है कमेंट्स में जरूर बताना, हमारे साथ साथ कौन खड़ा है वो भी जरूर बताना मुस्कान के लिए। सो बाकी फिलहाल इस वीडियो में ना था गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में।